माइंड। अभी हम लोग बैठे हैं किधर है शोशु जी टाटा नेशनल पार्क के उधर ही बैठे हैं हम लोग। इधर है ना बहुत कुछ, अभी रात में ही है ना, अलग अलग कलर है, सब कुछ है। अभी हम लोग बैठे हैं, इसका एक एक डायमंड का एक स्टैचू है, उसका एक कहानी है ना शोशु पुराने, उसमें साल की में देखना पड़ेगा उधर क्या है ना। ये टाटा उनको उनके ऊपर तो सब पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं थी उस वक्त, कि कुछ वार के टाइम के बाद कुछ बोल रहे थे उधर लिखा है। तो सब क्या है ना, उनका पूरा ज्वेलर डायमंड थी उनके पास, वो डायमंड को गिरवी रखकर उन्होंने पेमेंट सब कुछ दिया करके एक स्टोरी भी है, वो बाद में पढ़कर मैं और एक बार चाहिए तो बोल देंगे। तो वो डायमंड का मेमोरी करके फिर बाद में वो कोई फ्रेंच वाले कोई अडॉप्ट कर लिया वो उसको, तो डायमंड को कुछ ले लिया, ऐसा कुछ है। स्टोरी बहुत कुछ है इधर, हम लोग स्टोरी में थोड़ा कम है। तो हम लोग इधर वो पार्क में बैठे हैं जमशेदपुर झारखंड का, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल सिटी है जमशेदपुर। तो हम लोग अभी झारखंड में है, तो इवनिंग रात हो गया, अभी अराउंड 7 o'clock तो ऊपर हो गया ना शोशु। तो हम लोग इधर पार्क के उधर बैठे हैं, थोड़ा इधर फाउंटेन है, एक स्टैचू कुछ है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो यही है दौरबजी टाटा पार्क, तो जमशेदपुर आप लोग पूरा एक बार शोशु दिखा देंगे, देख लेना ठीक अच्छी स्टेट। तो देख लो ये जुबली डायमंड का वो लाइट ऐसे देखने में, देखो अभी अभी कलर चेंज होते ही रहेंगे है ना शोशु, रेड कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा, ग्रीन आएगा, ऐसे ऐसे वो कलर है ना चेंज होते हुए हम लोग देखने में इतना अच्छा लगता है। बहुत लोग अभी एक हाँ देख लो अभी ब्लू कलर आ गया, तो बहुत लोग आकर उसके अंदर भी जाकर सेल्फी ले रहे हैं ना शोशु। ये जुबली डायमंड एक फेमस है ना, इसलिए सब लोग उसके अंदर जाकर वीडियो या फोटो कुछ कुछ लेते हैं। देखो इधर छोटे छोटे ऐसे दो तीन फाउंटेन्स है बहुत है, देख लो ये पार्क में दो तीन नहीं सॉरी बहुत है। तो इसमें भी लाइटिंग का अरेंजमेंट है, बहुत लोग विजिट कर रहे हैं ना शोशु। हम लोगों को ये पार्क इसका जानकारी इतना नहीं था, हम लोग इधर आने से हम लोगों को जानकारी मिला है ऐसा एक पार्क है, एक बार तो विजिट करना चाहिए। फिर है ना इधर आकर इसका स्टोरी देखने से, बोर्ड पे वो लोग लिखकर सब कुछ रखा है ना शोशु, उसके बारे में देखने से और रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। ये जानकारी सुनने से भी हम लोग है ना ये जुबली डायमंड पार्क नहीं उसका हिस्ट्री में हम लोग सुनने से उतनी हम लोगों को हैप्पीनेस मिल रही थी इधर बैठने के लिए भी। तो मैं और शोशु थोड़ी इधर उधर घूमती थी, देख लो हम लोग उधर खड़े होकर है ना वो हैप्पीनेस हम लोग एक्सप्रेस कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो एक सडन विजिट है ना शोशु हम लोगों का, हम लोगों का बकेट लिस्ट में ही नहीं था ये पार्क के बारे में, फिर भी अचानक आ गया, इतना हैप्पीनेस मिल गया। वैसे ही है देख लो सब लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग रील भी बनाते होंगे उधर, हम लोग देखा है बच्चे सब लोग इधर घूमते रहते हैं। अभी इवनिंग टाइम है, इतने लोग है, हम लोग सोचा था पार्क है ना ये टाइम में कौन होगा करके, देखने से हम लोग भी ऐसे हो गया हाँ हाँ ये कैसे देख लो। ये इसका नाम है ना सर दौरबजी टाटा पार्क, वो सर दौरबजी का वाइफ का ये स्टैचू इधर रखा है, तो इनके बारे में बहुत स्टोरी। आई थिंक शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका शोशु, मैसूर कुछ ऐसा कुछ लिखा है उनके बोर्ड में हाँ, फिर भी देख लो उनके बारे में पूरा स्टोरी पढ़ने से मुझे इतना रेस्पेक्ट हो रहा है उनके साथ। दूर से वो डायमंड देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना, हम लोग थोड़ा इस तरफ आ गया तो देख लो डायमंड कितने अच्छे लग रहे हैं। ये तो जुबली डायमंड, ये पार्क टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में बनाया है, गिफ्ट जैसा बनाया है। देख लो ये जुबली डायमंड का बहुत स्टोरी है, वो सब इधर लिखा है, वो पूरा स्टोरी बोलने का मुझे नहीं हो रहा है, फिर भी इतना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आफ्टर मात उनकी टिस्को को बहुत मुश्किल में पड़े थे, यही है सर दौरबजी का स्टैचू है इधर। तो इन्होंने क्या कर दिया, उनका पूरा वेल्थ है ना गिरवी रख कर ही टिस्को को बचाया था, ऐसे कुछ बहुत स्टोरी इधर लिखा है।
सब लोग एक बार तो विजिट करना चाहिए, तो इनके साथ इतना हम लोगों को रेस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। हम लोग देखो सर दौरभ जी टाटा पार्क, इसका नाम है डायमंड जुबली डायमंड ही है रखा है, उसकी स्टोरी है ये पार्क का। तो जुबली डायमंड को रेस्पेक्ट देकर उसका ऐसे बनाकर रखा है। तो देख लो सब लोग कितने अच्छे से एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत लाइटिंग अरेंजमेंट है, सब कुछ है। एक्चुअली हम लोग देखने से ये डायमंड पार्क मीन्स ये जुबली डायमंड पार्क एक शान है जमशेदपुर के।